लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठर को राजा बनाया गया और युधिष्ठर ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया। युद्ध के बाद गांधारी और धृतराष्ट्र एक अकेले हो गए थे और दोनों ही देख नहीं सकते थे, इसलिए दोनों पांडवों के साथ ही उनके महल में रहने लगे थे और पांडवों की माँ कुंती उनकी सेवा किया करती थी। लेकिन भीम को धृतराष्ट्र और गांधारी बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो उनको ताना मारा करते थे। हस्तिनापुर में 15 सालों तक रहने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने वनवास पर जाने का फैसला किया। धृतराष्ट्र और गांधारी देख नहीं सकते थे, इसलिए कुंती ने भी इनके साथ वनवास पर जाने का निर्णय लिया और इस तरह से ये तीनों वृद्धावस्था में वनवास पर चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के वनवास पर जाने के करीब 3 साल बाद नारद जी युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे और युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद का अच्छे से सत्कार किया था। अब देवर्षि नारद को हर बात की खबर रहती थी। तब युधिष्ठिर ने सोचा कि नारद जी को तो पता होगा कि उनकी माँ कहाँ है। ऐसे में युधिष्ठिर ने हिम्मत करके नारद जी से तीनों के बारे में पूछ ही लिया। तब नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि ये तीनों हरिद्वार में रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जंगल से होते हुए अपने आश्रम आ रहे थे, तभी जंगल में आग लग गई थी और वृद्धावस्था होने के कारण ये तीनों भाग नहीं पाए और इस आग में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतना सुनते ही पांडव शोक में चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने तीनों का बेटा होने के नाते इन तीनों का अंतिम संस्कार किया और विधि पूर्वक इनका श्राद्ध कर्म भी करवाया।